हेलो एंड वेलकम टू प्रेडिडिकेयर। आज हम हमारा सेवेंथ लेक्चर देखेंगे पाइथन में, और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अबाउट स्ट्रिंग। सो लेट्स बिगिन। सो कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है कि हम कैसे हमारे वेरिएबल्स डिफाइन एंड डिक्लेयर करते हैं। साथ ही में हमने देखा हमारे डेटा टाइप्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो उसी दौरान हमने स्ट्रिंग ये डेटा टाइप के बारे में भी पढ़ा है। आज हम डीप डाइव करेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस यूज करेंगे एंड देखेंगे कि हम स्ट्रिंग के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग जो है पाइथन में वो हम यूज कर सकते हैं इधर इन सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स। यानी जब अगर आपको स्ट्रिंग लिखनी है तो आप इधर सिंगल कोट में डिफाइन कर सकते हैं या डबल कोट में डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बेसिकली मैं यहाँ पे अपना पाइचार्म भी ओपन कर लेती हूँ और साथ साथ हम देखेंगे कि हम कैसे उसे लिख सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया, हम स्ट्रिंग दो टाइप में लिख सकते हैं। एक हम सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, यानी दिस इज टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। और हम हमारी जो स्ट्रिंग है वो डबल इन्वर्टेड कोट्स में भी लिख सकते हैं, यानी दिस इज टेक्स्ट। तो ये दोनों भी स्ट्रिंग ही है। तो इस तरह से आप आपके स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। आपके स्ट्रिंग को आप अगर असाइन करना चाहते हैं कोई वेरिएबल को, तो आपको सिंपली एक वेरिएबल लिखना है। और आपको पता ही है आपको वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स दिया और आपको इक्वल टू साइन यूज करना है। इक्वल टू साइन यूज करने के बाद यहाँ पे मैंने ये इन सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में वैल्यू लिख दी है। तो यहाँ पे अभी x की वैल्यू हो गई दिस इज टेक्स्ट और ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक y ले लेती हूँ और उसको डबल इन्वर्टेड कोट्स में डालती हूँ। तो यू नोटिस कि दोनों भी हमारे करेक्ट है, हमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं इसे रन करूंगी, मुझे आउटपुट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट नहीं कर रही। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और मैंने अपनी वैल्यूज को प्रिंट किया, प्रिंट x एंड देन प्रिंट y, दोनों को हम प्रिंट करते हैं और इसको हम रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम फंक्शन Shift F10 यूज करेंगे। Shift F10 भी आपका रन का फंक्शन है, यहाँ पे आप शॉर्टकट नोटिस कर सकते हैं। Shift और F10, Shift plus F10 आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमने रन किया, this is text, दोनों भी प्रिंट हुआ अच्छे से, आपको कोई भी एरर नहीं आया। तो जब भी आप अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, आप सिंगल कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रिंग को डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर प्रोग्राम में से मैंने ये एक्स एंड वाई की प्रिंट वैल्यूज को निकाल दिया एंड यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है एक्स एंड वाई, इसको हटा के डायरेक्टली मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को कॉल आउट किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन को कॉल आउट कर रही हूँ और मैं एक सिंगल इन्वर्टेड कोट्स का यूज कर रही हूँ और एक डबल इन्वर्टेड कोट्स का यूज कर रही हूँ। और अब हम इसे सेव करते हैं और शिफ्ट F10 से रन करते हैं। तो देखिए हमें आउटपुट भी अभी भी सेम ही आ रहा है। तो नॉट नेसेसरीली कि आप आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यूज है उनको आप एक वेरिएबल के साथ असाइन करें, आप डायरेक्टली भी उन्हें प्रिंट कर सकते हैं अगर आपको आपकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो ये सिंपल है कि आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोट्स एंड डबल इन्वर्टेड कोट्स दोनों में भी आपकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। अब व्हाट इफ आपको मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग्स लिखनी है। अगर आपको मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग लिखनी है तो आप सिंपली आपके जो सिंगल इन्वर्टेड कोट्स या डबल इन्वर्टेड कोट्स में जाइए। तो यहाँ पे से जो हमारी मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है उन्हें हमें लिखने के लिए 3 इन्वर्टेड कोट्स यूज करने हैं। यानी यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप देखिए 3 इन्वर्टेड कोट्स के बीच में मैं टेक्स्ट लिखूंगी, दिस इज टेक्स्ट। I am using Python. यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख रही हूँ, राइट? अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखा है और इसे मुझे स्ट्रिंग की तरह प्रिंट करना है। मैंने इसे 3 टाइम इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा है। यानी आप यहाँ पे देखिए 3 मैंने कोट्स यूज किए हैं और यहाँ पे हम उसके अंदर लिख रहे हैं। तो ये मल्टीपल लाइन हो गया। अब जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगी, जैसे मैंने लिखा है जहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया वैसे ही मुझे आउटपुट में भी आएगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट कर रही हूँ और हम यहाँ पे भी एड्रेस देते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं, तो सी मुझे यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है, दिस इज टेक्स्ट, आई एम यूजिंग पाइथन एंड लाबा। जो हमारे लाइन का हमने यूजेज किया है, फर्स्ट लाइन में हमने ये लिखा है, सेकंड लाइन में हमने ये लिखा है, थर्ड लाइन में हमने ये लिखा है, वैसे ही ये हमारा प्रिंट भी हुआ। सिमिलरली आप ये इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कोट्स को निकाल के इन्हें डबल इन्वर्टेड कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हें निकाल देती हूँ और इनको डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे 3 डबल इन्वर्टेड कोट्स हो गए और उसके बीच में डाल रही जो कंटेंट मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ से वापस हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ कंटेंट। सेव करते हैं और रन करते हैं इसको फंक्शन F10 से। तो यहाँ पे देखिए मुझे आउटपुट में सेम आ रहा है। तो इस तरह से आप सिंगल या डबल कोई भी इन्वर्टेड कोट यूज कर सकते हैं। जब अगर आप सिंगल टाइम यूज कर रहे हैं तो वो एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाता है, लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन आपको स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो आप ऐसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो स्ट्रिंग है इन्हें आप डिफाइन डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ ही में वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, देखिए हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारे सिंगल कोटेशन मार्क्स में हम कैसे हमारी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हैं।
सिमिलरली हम मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को कैसे हम असाइन कर सकते हैं वो भी हमने दिखाया. नोट द रिजल्ट इन द लाइन ब्रेक्स आर इंसर्टेड एट द सेम पोजीशन एज इन कोड. यानी आप कोड में जहाँ पे एंटर प्रेस कर रहे हो, जहाँ पे ब्रेक्स दे रहे हो, वैसे ही हमारे जो आउटपुट है वैसे ही आएंगे एग्जैक्टली जो हमने देख लिया. नेक्स्ट कमिंग टू स्ट्रिंग आर एरे. तो जो पाइथन में स्ट्रिंग होती है वो एरे होती है बाइट्स, जो हमें यूनिकोड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है. यानी जो पाइथन है उसके अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है. तो जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर आपको सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को डिफाइन करना है तो आप डायरेक्टली उसको स्ट्रिंग की तरह डिफाइन कर सकते हैं. यानी अगर आपको ए की वैल्यू देनी है तो आप डायरेक्टली ए यूज कर सकते हैं. जैसे सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर एक अलग डेटा टाइप है, वैसे हमारे स्ट्रिंग में नहीं होता है. लेकिन स्ट्रिंग इज कैरेक्टर ऑफ एरे, तो हम डायरेक्टली एक सिंगल को यूज कर सकते हैं. अगेन वो एरे है तो हम उसको एरे की तरह भी यूज कर सकते हैं. अब ये एरे क्या होता है ये हम इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके हमारी एरे की वैल्यूज को देख सकते हैं. सो लेट्स चेक, मैं अभी आपको जो बता रही हूँ कैसे हम यूज कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एक्स लिया है और इसकी वैल्यू मैंने दे दी है राइट एडुकेट. ओके यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, मिनिमाइज करते हैं हमारे कंसोल को. तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये एरे ऑफ कैरेक्टर है. कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर्स हमारे सिंगल लेटर्स होते हैं यानी सिंगल वैल्यू. तो ये फर्स्ट कैरेक्टर हुआ, ये सेकंड कैरेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ऐसे आपके कैरेक्टर. इवन आपकी स्पेस भी आपकी कैरेक्टर है. तो यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ ई वैल्यू को यूज करना है तो मुझे कौन सा कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ कैरेक्टर मुझे यूज करना पड़ेगा. लेकिन जब हम एरे यूज करते हैं तो यहाँ पे इनकी पोजिशन होती है और एरे में पोजिशन स्टार्ट होती है जीरो से. तो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर ये जीरो पोजिशन पे है, हमारा जो सेकेंड कैरेक्टर आर है ये फर्स्ट पोजिशन पे है. तो जब आपकी वैल्यू आप प्रिंट करते हैं तो आपको पोजिशन नंबर देना है. तो अगर मुझे ई प्रिंट करना है तो मुझे क्या नंबर देना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे मुझे 4 नंबर यूज करना पड़ेगा तब जाके मेरा ई प्रिंट होगा. तो लेट्स सी हम इसे लिखते कैसे. तो यहाँ पे मैं नीचे जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है और मुझे एक्स वैल्यू प्रिंट करनी है. सबसे पहले मैं एक्स को प्रिंट करती हूँ. सेकेंडली मुझे एक्स वैल्यू में, मुझे सेकेंडली एक्स वैल्यू के अंदर की फोर्थ पोजिशन की वैल्यू प्रिंट करनी है. ओके तो ये एक्स तो आपको पता ही है नॉर्मली पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं जब ब्रैकेट के अंदर फोर्थ लिखती हूँ तो मुझे फोर्थ पोजिशन की वैल्यू देता है. फोर्थ पोजिशन की वैल्यू यानी 4+1 यानी फिफ्थ कैरेक्टर. तो हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है ई. तो आपकी जो पोजिशन की वैल्यू है वो आपके कैरेक्टर से एक आपको माइनस करनी है, क्योंकि हमारा जो एरे होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है. तो इसे सेव करते हैं और इसे रन करके देखते हैं तो हमें आउटपुट क्या आता है. तो सी यहाँ पे मुझे आउटपुट आ गया ई और मुझे प्राइड एडुकेयर पूरा लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्राइड एडुकेयर लिखा है. सिमिलरली अगर मुझे मेरा डी प्रिंट करना है तो डी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे मेरा इसका पोजीशन था 4, ई का तो 5, 6, 7. तो 7 नंबर को प्रिंट करूंगी तब मुझे डी प्रिंट होगा. तो यहाँ पे इसे सेव करते हैं और इसको अगेन रन करते हैं तो सी यहाँ पे मुझे डी प्रिंट होके आया है. तो इस तरह से आप एक एक सिंगल कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप सिंगल वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर. सिमिलरली आप एक सिंगल लेटर की भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे सिर्फ ए नाम की स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगर सिर्फ ए को प्रिंट करूंगी तो मुझे मेरी सिंगल वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन अगर आप एक पूरी स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं तो आप लेकिन आप एक पूरी स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं तो आप ये एरे फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं और आपकी स्पेसेस बचा सकते. तो यहाँ पे मुझे ए यूज करना है तो मैं यहाँ पे एडुकेयर का ए भी यूज कर सकती थी. तो यहाँ पे मुझे एक अलग से स्ट्रिंग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो यहाँ पे मैंने अगर लिखा प्रिंट और मैं दे रही हूँ एक्स और यहाँ पे हम ए की वैल्यू चेक करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 11-1 यानी 10th पोजिशन की वैल्यू चाहिए थी मुझे. तो यहाँ पे मैं 10 लिख रही हूँ और हम रन करते इसे तो दोनों जगह मुझे ए आउटपुट आ रहा है. तो इस तरह से आप ये स्ट्रिंग के एरेज यूज करके डायरेक्टली आपकी वैल्यूज निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वैल्यू. तो आई होप आपको स्ट्रिंग एरे की तरह कैसे वर्क करता है ये समझ में आ गया होगा. इन डिटेल हम पढ़ेंगे एरे के बारे में जल्दी और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम एरेज कैसे लिखते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट इज हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो है लेंथ फंक्शन. इसमें आप अपनी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स सी हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे मैं ये y एंड x की जो वैल्यू मैंने प्रिंट की इसे रिमूव कर देती हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास प्राइड एडुकेयर ये वर्ड लिखा है. लेंथ कैलकुलेट होती है फॉर काउंटिंग ईच एंड एवरी हमारा जो कैरेक्टर है वो. तो हमारा स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है. तो अभी हम चेक करते हैं प्राइड एडुकेयर के कितने कैरेक्टर्स है. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
टोटल 13 कैरेक्टर्स हमारे पास है एक्स की वैल्यू है, तो लेट्स गो एंड चेक कैरेक्टर्स की लेंथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे एक्स की लेंथ फाइंड करूँ, तो यहाँ पे मैंने लेंथ फंक्शन यूज किया, तो यहाँ पे लेंथ इन ब्रैकेट एक्स आ गया है। इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको फंक्शन f10 के साथ रन कर रही हूँ, तो सी मुझे 13 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपके जो भी स्ट्रिंग है उसकी आपको वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टेक्स्ट डाल रही हूँ, दिस इज टेक्स्ट, ओके, वी आर लर्निंग स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया है और हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप बार बार जाके काउंट नहीं कर सकते कि आपकी लेंथ कितनी है, तो आप डायरेक्टली आपका जो लेंथ फंक्शन है यूज कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम रन करते हैं, लेट्स सी, तो 37 कैरेक्टर्स है, तो अब इसको काउंट करके देखिए इसमें 37 कैरेक्टर्स होंगे। तो इस तरह से हम हमारी जो वैल्यूज है, हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग लेंथ फंक्शन। मूविंग टू नेक्स्ट इज, अगर हमें हमारे स्ट्रिंग के बीच में से कोई वैल्यूज देखनी है कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके स्क्रीन पर जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, तो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ पूरा है, मुझे इसमें से एक वर्ड फाइंड आउट करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे स्किम करूंगी, रीड करूंगी और मुझे वो मिल जाएगा। वॉट इफ 45 पेजेस के 45 पेजेस है और मुझे उसे फाइंड करना है कि एक ये वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसीलिए हम इन कीवर्ड यूज करते हैं। इन कीवर्ड है वो हमारे टेक्स्ट में से जो वैल्यू है वो फेच करके देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये जो एक्स एंड वाई है इसकी वैल्यूज को रिमूव कर लेती हूँ, तो यहाँ पे इनको रिमूव कर लिया है, लेट्स ओनली कीप वाई क्योंकि ये बड़ी स्ट्रिंग है। तो नॉर्मली मैं एक बार वाई को प्रिंट कर लेती हूँ, प्रिंट वाई, ओके ओके। अब मुझे चेक करना है कि वाई के अंदर इज ये वर्ड है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन ही यूज करूंगी और मैं चेक करूंगी कि इस फंक्शन जो इज हमारा कैरेक्टर है वो हमारे वाई वेरिएबल के अंदर है या नहीं। तो यू सी यहाँ पे मैंने लिखा है इज, और मैंने इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है, आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क यूज किए, इज ये हमारे टेक्स्ट में है यहाँ पे है, और इन ये कीवर्ड है जो मैंने यूज किया, आप इनकी कलर देखिए, यहाँ पे इनका कलर ब्लू है, कीवर्ड हमेशा ब्लू कलर में आते हैं, तो यहाँ पे आप जो कीवर्ड है उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं अगर आप उसके हॉवर करेंगे, तो यहाँ पे जो इन कीवर्ड है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो इन कीवर्ड है वो सर्च करेगा कि वाई के अंदर एग्जिस्ट करते हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या करेगा, सबसे पहले इज लेगा, वो चेक करेगा कि दिस इज में इज है, तो ये यहाँ पे भी है, अगेन वो चेक करेगा कि स्पेस, तो ये कम्प्लीट कीवर्ड नहीं है, दिस इज, दिस एक पूरा वर्ड है और ये और इज मैच नहीं कर रहे, तो ये पूरे वर्ड को मैच करेगा, स्पेस में नहीं है, अगेन इज में है, तो वैसे हमारी स्ट्रिंग मैच है। सो लेट्स रन इट, यहाँ पे मैं फंक्शन f10 प्रेस कर रही हूँ एंड सी मुझे आउटपुट में आया ट्रू, तो ट्रू आया क्योंकि इज एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ r, तो अभी आप देखिए r भी हमारे जो vr में एग्जिस्ट करता है, तो अगेन रन करते हैं इसको, अनचेक करते हैं, तो अगेन मुझे वैल्यू आई ट्रू। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं ट्रू से। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दिया वर्ड, तो वर्ड हमारी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लेट्स सी हमें फॉल्स आउटपुट आते हैं, तो सी हमें फॉल्स आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो फंक्शन है वो वर्क करता है। नाउ मूविंग टू, अगर व्हाट इफ मुझे चेक करना है कि वर्ड इज नॉट इन वाई, तो यानी मुझे चेक करना है ये वर्ड जो है मैंने लिखा है वो मेरे टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे नॉट की वर्ड ऐड करना है, तो ये उसका इनवर्स वर्क करेगा, यानी इन जो काम करता है उसका इनवर्स काम करेगा। तो देखिए नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन मिल जाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ज्यादा डिटेल में इसके अंदर। तो यहाँ से मैंने नॉट डाला है, अब मुझे आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि वर्ड जो एक वर्ड लिया है या फिर हम लिखते हैं लेटर, पाइथन ले लेते हैं हम अलग सा, ओके, तो ये पाइथन जो वर्ड है ये हमारे इस टेक्स्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, मुझे आउटपुट आएगा ट्रू, Python not in Y, because Python output में नहीं है, हमारे string में नहीं है, तो मुझे answer आया true। लेकिन अगर मैंने again search किया is और मैंने run किया तो मुझे output आएगा false। तो see हमें output आ रहा है false। तो इस तरह से हमारे जो keyword है in और not in, ये दोनों भी इस तरह से work करते हैं कि आप आपके text में से, आपके string में से check कर सकते हैं कि कोई particular word exist करते हैं या नहीं। Moving to the next, that is slicing। तो अभी slicing क्या होता है? स्लाइसिंग एक हमारे जो कैरेक्टर रेंज है, मैंने आपको जैसे बताया हमारा जो स्ट्रिंग है ये कैरेक्टर एरे का कैरेक्टर है,
ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर एरे है इसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो हम स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। इन नॉर्मल नेटिव इंग्लिश स्लाइसिंग मतलब हम एक किसी चीज को स्लाइस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्लाइस ऑफ केक, तो ये पूरा केक है उसको मैंने स्लाइस किया और एक पोर्शन निकाल लिया उसमें, राइट। तो सिमिलरली हम ऐसे ही हमारे स्ट्रिंग को भी स्लाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स टेक दिस सेम स्ट्रिंग, यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग है, इसको मुझे स्लाइस करना है। अब मैं स्लाइस कैसे कर सकती हूँ? तो स्लाइस करने के लिए आपको पर्टिकुलर एरे, आपका जो नाम है वेरिएबल का वो यूज करना है। तो हमारा स्ट्रिंग का नाम है वाई, इस वेरिएबल के अंदर मैंने वो स्ट्रिंग सेव किया है। तो जो वाई हमारा स्ट्रिंग है उसमें मुझे पर्टिकुलर फ्रॉम दिस टू दैट ये मुझे पर्टिकुलर चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, हमारा प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने वाई लिखा। तो जैसे मैंने बताया आप अगर सिंगली वन लिखते हैं तो मुझे आउटपुट आएगा एच, राइट, मुझे आउटपुट आएगा एच। मैंने जीरो लिखा तो मुझे आउटपुट आएगा टी, मुझे आउटपुट आया टी। मुझे अभी सिर्फ दिस प्रिंट करना है, दिस, ठीक है। तो मैं अगर ये यहाँ पे नीचे नीचे लिखते जाऊंगी तो नीचे नीचे आएगा, पर मुझे एक ही बार में प्रिंट करना है दिस। तो दिस मैं कैसे प्रिंट कर सकती हूँ? दिस के लिए मुझे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग इनिशियल पोजिशन, दैट इज जीरो पोजिशन। और मुझे कहाँ तक चाहिए? मुझे इस तक चाहिए, दिस तक चाहिए, पूरा टी एच आई एस चाहिए। तो मुझे अपनी एक पोजिशन डिफाइन करनी पड़ेगी जहां तक मुझे प्रिंट करना है, यानी 0, 1, 2, 3। तो 3 तक मुझे प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 से स्टार्ट करो और 4 के पहले जितनी भी वैल्यूज है उसे प्रिंट करो। तो जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो काउंट नहीं होगी, तो इसीलिए हमें 4 तक लिखना पड़ेगा। तो टी एच आई एस इज 0, 1, 2, 3, और 0, 1, 2, 3 के बाद जो 4 है वो वैल्यू काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0 to 4th पोजिशन तक चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं रन करती हूँ जैसे ही, तो मुझे दिस में दिस आउटपुट आ जाता है। अगर यहाँ पे मैंने 3 लिखा होता तो मुझे सिर्फ टी एच आई ही आता आउटपुट में। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ तो मुझे टी एच आई आउटपुट में आया। तो सिंस मुझे पूरा दिस चाहिए था मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। तो बहुत सिंपल है आपको याद रखने के लिए, आपको बस याद रखना है कि आपका जो पोजिशन है फर्स्ट पोजिशन का जो वैल्यू है वो इंक्लूड होता है आपके आउटपुट में, लेकिन जो लास्ट पोजिशन वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है। तो फर्स्ट वैल्यू आप वही दीजिए जहां से आपको प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर सिर्फ ये टेक्स्ट वर्ड प्रिंट करना है तो टेक्स्ट का हमारा पोजिशन वैल्यू क्या है, एरे वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट है, तो मुझे यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, ओके। और फिर 8 के बाद यहाँ पे ये पोजिशन क्या है, 9, 10, 11। तो 11 तक मुझे चाहिए तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है। तो मैंने 8 to 12 लिखा है और मैंने प्रिंट किया, मुझे आउटपुट में आएगा टेक्स्ट। तो इस तरह से आप आपकी वैल्यूज को स्लाइस कर सकते हैं। अब ये पूरी स्ट्रिंग में से मैंने सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट ले लिया है। तो इस तरह से स्लाइसिंग वर्क करता है हमारे स्ट्रिंग में। व्हाट इफ आपको सिर्फ लास्ट पोजीशन डालनी है, यानी फर्स्ट पोजीशन मुझे स्टार्टिंग से टिल 12 चाहिए, तो मुझे बस स्टार्टिंग निकाल देना है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो फंक्शन है वो समझ जाएगा कि स्टार्टिंग से चाहिए टिल 12। तो यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ मैं, तो देखिए दिस इज टेक्स्ट पूरा आ गया, करेक्ट। और व्हाट इफ मुझे एंड तक चाहिए, तो यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग वाली पोजीशन देनी है। व्हाट इफ मुझे यहाँ 12, ये 12 पोजीशन है राइट हमारी, तो मुझे 13 पोजीशन से चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 13 और मुझे एंड तक चाहिए, 13 के बाद जितना भी है मुझे सब कुछ चाहिए। तो मैंने जो एंड पोजीशन है उसको हटा दिया। तो यहाँ पे 13 पोजीशन से स्टार्ट होगा जो हमारी फर्स्ट स्पेस है, और उसके बाद सारा कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे हम अगर 14 ले रही हो तो अगेन W से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एक स्पेस मिस हो जाएगी। तो 14 से पूरे एंड तक जो भी जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग है वो ऐड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करती हूँ टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा एट द एंड। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग जो स्लाइस करते हैं उसको ऐसे भी स्लाइस कर सकते हैं जहाँ पे आप सिर्फ एक पोजिशन बताइए जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और एंड पोजिशन एट द एंड तक जाएगा, या फिर आप एक पोजिशन चाहिए जहाँ तक एंड होगा और पूरा स्टार्टिंग होगा। तो ये 3 फॉर्मेट्स है जहाँ पे हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्लाइस फ्रॉम स्टार्ट देख लिया, स्लाइस फ्रॉम एंड देख लिया। सो अब हम देखते हैं हम हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हम करने के लिए हमें जो स्लाइस करना है वो एंड से करना है। सो लेट्स सी हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे वर्क करती है। तो जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग है ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, तो आपको जैसे पता है आपके इंटीजर्स कैसे वर्क करते हैं। आपके इंटीजर्स में राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती है एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो अगर मैं यहाँ से राइट साइड पे बढ़ रही हूँ तो वैल्यूज आएंगी मेरी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सो अगर मुझे नेगेटिव वैल्यूज देखनी है यानी -1, -2, -3, तो वो स्टार्ट होगा हमारी लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू है वो होगी -1, जो जी की वैल्यू है वो होगी -2, जो एन की वैल्यू है वो होगी -3 एंड सो ऑन।
तो अगर व्हाट इफ मुझे सिर्फ लास्ट वर्ड प्रिंट करना है, तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और यहाँ से काउंट करूँ कि लास्ट वर्ड की वैल्यू क्या है, मैं इजीली पीछे से काउंट कर सकती हूँ, क्योंकि पीछे से मुझे बहुत इजीली वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें सिमिलर वे में हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट और यहाँ पे मैं अपनी वाई वैल्यू लिखूंगी। अब हमें यहाँ पे लिखना है हमारी पोजिशन जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे जब हम प्रिंट करते हैं तो जैसे हमने पॉजिटिव नंबर्स में किया था, हमारी जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी हमारे फर्स्ट कैरेक्टर से, जो भी हम कैरेक्टर इंडेक्स डिफाइन करें, यानी अगर मैंने 1 लिखा तो एच से स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे हमें डिफाइन करना है नेगेटिव वैल्यूज में, तो नेगेटिव वैल्यूज में हमें ये वैल्यू लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे काउंट करती हूँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो मुझे -7 से चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ -7। आप यहाँ पे आपकी वैल्यूज लिख सकते हैं -7, या फिर आप आपकी वैल्यूज को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने -7 लिखा है और -1 लिखा है, तो मुझे जो -1 की वैल्यू है वो एक्सक्लूड होगी, यानी मेरी एस वैल्यू एक्सक्लूड होगी। तो इस तरह से हमारे स्ट्रिंग वर्क करता है। अगर आपको एन तक की वैल्यू चाहिए तो आप कोई भी वैल्यू मत दीजिए और आपको एन तक की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी एस तक भी आपकी वैल्यू मिल जाएगी। मुझे सिर्फ एस टी आर चाहिए, तो मैं मुझे एस टी आर देना है, यानी -7, -6 और -5। तो मुझे लिखना पड़ेगा -4 यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जो आपकी लास्ट वैल्यू है वो एक्सक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे एस टी आर चाहिए, तो मैं यहाँ पे -7 to -4 लिखा है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क करता है। सो आई होप आपको जो मैंने इंडेक्स अभी तक यहाँ पे स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटीज बताई है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। कमिंग टू नेक्स्ट आर सम स्ट्रिंग फंक्शंस। सो कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस है हमारे पास, जैसे अपर केस है, लोअर केस है, रिमूव वाइट स्पेसेस है, रिप्लेस स्ट्रिंग है और स्प्लिट स्ट्रिंग है। एक एक करके इनका एग्जाम्पल लेते हैं। सो हम देखते हैं हमारा रिमूव वाइट स्पेसेस, ये वाला फंक्शनैलिटी। तो रिमूव वाइट स्पेसेस हमारा जो फंक्शनैलिटी है, ये हमारे टेक्स्ट के पहले और बाद में जितनी भी वाइट स्पेसेस है इसे रिमूव कर देता है। तो वेरी ऑफ्टन हमें ये रिमूव करनी होती है, तो इसके लिए हम स्ट्रिप फंक्शन ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट किया है वाई को, तो यहाँ पे हम अभी प्रिंट करते हैं हमारा जो स्ट्रिप कर रहा है, हमें हमारी जो वाइट स्पेसेस स्ट्रिप करनी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी वाइट स्पेसेस ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी वाइट स्पेसेस ऐड कर दी। तो हम दोनों के भी आउटपुट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट में हमारे वाई के साथ स्ट्रिप फंक्शन को कॉल कर दिया, मैंने वाई के बाद स्ट्रिप लिखा है और यहाँ पे जो हमारी वाइट स्पेसेस है ये रिमूव हो जाएंगी। तो यू सी यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है, यहाँ पे पहले हमारी वाइट स्पेसेस आ रही क्योंकि मैंने नॉर्मली वाई को प्रिंट किया, लेकिन जब मैं स्ट्रिप करती हूँ तो आउटपुट नहीं आता है और उस जगह पे दिस इज टेक्स्ट आ जाता है और दिस इज टेक्स्ट के बाद दिया लर्निंग स्ट्रिंग भी आ गया और यहाँ पे हमारी वाइट स्पेसेस रिमूव हो चुकी है। इस तरह से स्ट्रिप फंक्शन वर्क करता है। कमिंग टू नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन कैसे वर्क करता है, जो हमारा रिप्लेस फंक्शन है उसमें हम हमारी दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरी कोई स्ट्रिंग में से कोई एक कैरेक्टर निकालनी है और उसकी जगह दूसरा कैरेक्टर डालना है, तो रिप्लेस फंक्शन वर्क करेगा। तो लेट्स रिमूव दिस वाइट स्पेसेस एंड मुझे मेरे पूरी स्ट्रिंग में जिधर भी आए हैं उसकी जगह पे मुझे पी डालना है। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस फंक्शन को कॉल करती हूँ और मैं वैल्यू देती हूँ, जिधर भी आए हैं उसकी जगह पे मुझे डालना है पी, और मैं सेव करती हूँ और मैं प्रिंट करती हूँ। तो लेट्स सी यहाँ पे दिस में आई की जगह पी आ गया, इस में आई की जगह पी आ गया है, अगेन लर्निंग में आई की जगह पी आ गया है, स्ट्रिंग में आई की जगह पी आ गया है। तो इस तरह से आप आपकी वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन आप पूरे टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज की जगह पे मुझे चाहिए राइट, यहाँ पे मैंने उसको रन किया। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे TIH IS है, तो इसकी जगह पे प्राइड आ गया है। सिमिलरली जिस जगह पे इस था उस जगह पे भी प्राइड आ गया है, एंड अगर हमारे आगे कोई स्ट्रिंग में इज होता तो उस जगह पे भी प्राइड आ जाता। तो इस तरह से आप रिप्लेस फंक्शन यूज कर सकते हैं। एंड कमिंग टू आवर लास्ट फंक्शन, दैट इज स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को डिफरेंट वैल्यूज में स्प्लिट कर देता है। तो अगर आपकी वैल्यूज को आपको स्प्लिट करना है यूजिंग सम ऑप्शन, दैट इज अगर आपकी पूरे टेक्स्ट में स्पेसेस है जो आपको ईच एंड एवरी वर्ड्स के लिए स्प्लिट करनी है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये रिप्लेस फंक्शन को निकाल देती हूँ और सेम वेरिएबल के लिए मैं स्प्लिट फंक्शन यूज करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट लिखा है। अब मुझे स्प्लिट में बताना पड़ेगा कि क्या वो मुझे कैरेक्टर यूज करना है जहाँ से मुझे स्प्लिट करना है। तो सिंस हमारे जो स्ट्रिंग है ऊपर की उसमें स्पेसेस है, तो यहाँ पे मैंने स्पेस यूज कर लिया और यहाँ पे मैं अभी इसको रन करती हूँ। तो सी यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट वी आर लर्निंग स्ट्रिंग, ये अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट हो चुका है। तो स्प्लिट फंक्शन ये काम करता है। अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे डॉट डाला है यानी फुल स्टॉप डाला है, तो यहाँ पे एक ही फुल स्टॉप है, एंड अगर मैं इसे रन करती तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, दिस इज टेक्स्ट वी आर लर्निंग स्ट्रिंग। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने कहीं 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 पे कॉमास डाल दिए, ओके, सो ये मैं रैंडम जगह पे कॉमास डाल रही हूँ। तो और मैं इसे रन करती हूँ यहाँ पे मुझे, और मैं इसे यहाँ पे कॉमा ऐड कर देती हूँ
और अब हम इसे रन करते हैं। तो यू सी ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, जहाँ पे इस कॉमा मेंशन था, तो यहाँ पे दिस आ गया, इस टेक्स्ट बी आर आ गया, लर्निंग आ गया, स्ट्रिंग आ गया। तो इस तरह से ये स्प्लिट फंक्शन वर्क करता है। सो आई होप आपको स्ट्रिंग के बारे में अभी बहुत नॉलेज आ चुकी होगी। आई होप आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस, उसके कीवर्ड्स कैसे हम यूज कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल के साथ आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम और डीप डाइव करेंगे कि स्ट्रिंग कैसे वर्क कर सकते हैं, और कुछ फंक्शनलिटीज देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में, और कुछ सीखेंगे कि हम स्ट्रिंग और कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।